संजीत कुमार सिंह, नमन नाभ्या एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का MD बोल रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले काफ़ी दिनों से हमने देख रहा है डॉल्फिन डांस धीरे 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 छोटा 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 करते बहुत बड़ी डांडिया का प्रोग्राम सब करने लगे। और इस बार जो शायद उन्हें बता रहा था मुझे कि मैं इस रूप में बृहद कार्यक्रम कर रहा हूँ, पूरा स्टेडियम में कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे लगा कि पता नहीं कि ये एक छोटा सा बच्चा जो पहले कुछ कर रहा था, थोड़ा दो चार बच्चों को जोड़ते हुए, आज मुझे लगता है कि 2-4-5 हज़ार लोगों को इन्होंने जोड़ लिया है। और देवघर जैसे जगह जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, और यहाँ पे यही एक चीज़ की कमी थी, जो कि लोग शिक्षा की ओर बहुत अग्रसारित थे, काम की ओर थे, बिजनेस की ओर थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फ्लोर प्लान नहीं था या ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ कि लोग अपनी कल्चर एक्टिविटी को निखार सके या बच्चे कहीं पे ये दिखा पाए कि हम अच्छा से डांस कर सकते हैं, हम अच्छे से कुछ कार्यक्रम अच्छे से कुछ स्पीच दे सकते हैं या अच्छे से किसी तरह का कोई रोल कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये अजीत केसरी एक हैं, अजीत केसरी जो डांडिया का डॉल्फिन डांस का क्या बोलूं मैं उसको, डॉल्फिन डांस को स्टार्ट करने वाले, ठीक है, वो अभी देखते हैं कि 5,000 लोगों को जोड़े हुए, छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 40 साल की महिलाएं, 40-50 साल के बुजुर्ग, प्रेस, मीडिया, संपूर्ण देवघर समाज, समूचा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे व्यवसायी, सबका सब इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं देवघर में, जहाँ से कि लोग अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके, अपने अंदर छुपे हुए डांस करने की जो प्रतिभा है वो इनके माध्यम से पूरे इंडिया में भी फैल सकता है। और जो ये इनका इस बार प्रोग्राम है, ये अभूतपूर्व प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि देवघर वासियों को एकत्र होकर के इनको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए इनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और जो भी कल्चर से थोड़ा भी शौक रखते हों, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे सॉन्ग नहीं पसंद हो, डांस नहीं पसंद हो, भजन नहीं पसंद हो, ये सारे चीज़ों का समावेश इनके साथ है। और लोगों को इनसे जुड़ करके इनको सहयोग करना चाहिए, और हम लोग भी इनको निरंतर सहयोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। धन्यवाद।